राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दम। जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं पूरे प्रदेश में पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने के बाद बगावत की खबरें भी अब लगातार सामने आ रही हैं। दमोह में भी अब टिकट की चाहत रखने वाले पदाधिकारियों में बगावत के नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष और जवेरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट की चाह रखने वाली रजनी ठाकुर भी निर्वाचन कार्यालय पहुंची और नामांकन पत्र खरीदा। दरअसल कांग्रेस पार्टी द्वारा जवेरा विधानसभा से पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी से नाराज महिला कांग्रेस अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर भी अब चुनावी नामांकन पत्र भरने जा रही हैं। वो किस पार्टी से अपना नामांकन भरेंगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर निशाना जरूर साधा। टिकट ना दिए जाने को लेकर वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से काफ़ी नाराज दिखाई दी। नामांकन फॉर्म लेने के बाद क्या कुछ कहना था जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष का, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि मैं भी कांग्रेस से टिकट मांग रही थी और काफ़ी अच्छी मेरी दावेदारी थी, जिला पंचायत सदस्य भी मैंने अपने जो विधानसभा जवेरा से बहुत अच्छे मतों से जीता था। ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है कि मुझे टिकट नहीं दी गई है, वो कारण तो मुझे ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं प्रतिनिधित्व कर रही थी एक ऐसी समाज का जो आदिवासी समाज है, जो जवेरा क्षेत्र में 65,000 आदिवासी हैं, मैं ये चाह रही थी कि सागर संभाग में कहीं भी आदिवासी सीट रिजर्व्ड नहीं है। और अगर आप देख सकते हैं कि सागर में अगर 4 महिलाओं को दिया जा रहा था अगर टिकट, तो कहीं ना कहीं दमोह में भी 4 विधानसभाएं हैं, उसमें भी एक महिला को टिकट देनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं महिला का भी उनने सम्मान को कहीं ना कहीं पीछे रखा है, और अगर आदिवासी की सम्मान की बात करें तो उसको भी पीछे रखा है। इसलिए आज मैं यहाँ पर आई थी कलेक्ट्रेट में, और आज मैंने एक फॉर्म उठाया अपने लिए और निश्चित तौर पर वो फॉर्म भरूँगी। अभी तो मैंने फॉर्म लिया है, हो सकता है किसी पार्टी अधिकृत अगर करेगी तो उससे भी फॉर्म भर सकती हूँ, निर्दलीय भी मैदान में उतर सकती हूँ, जैसी संभावना आगे बनेगी उस तरीके से काम किया जाएगा।